नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अक्सर हम ऐसे लोगों की कहानी सुनते हैं जिन्होंने तमाम अभावों के बाद भी कई क्षेत्रों में अपने दम पर कई ऊंचाइयां हासिल की। लेकिन आज हम अपने अनोखे शो में बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनको अंग्रेजी में कहते हैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप विद गोल्डन स्पून, जो विरासत में मिली तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद भी अपने क्षेत्र या फिर किसी और क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाए। क्योंकि आजकल माहौल राजनीति का है, तो आज हम भी अपने शो में बात उन राजनेताओं की करेंगे जिन्हें परिवार तो नाम ही मिला लेकिन वो अपना नाम नहीं कर सके। शो में टॉप 10 ऐसे लोगों की बात होगी, तो शुरुआत 10वें नंबर से ही कर लेते हैं। तो हमारे इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं तेजस्वी यादव। नाम में तेज लिखने वाले तेजस्वी राजनीति में तेज पना नहीं दिखा पाए। कई सालों तक बिहार पर राज करने वाले लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी विरासत में सियासत लेकर आए थे, लेकिन आज तक भी बिहार की राजनीति में अपने पैर नहीं जमा पाए। हालांकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन नीतीश सरकार के आगे वो नहीं टिक पाए और इसीलिए हर बार की तरह इस बार भी तेजस्वी को हार का सामना ही करना पड़ा था। उनका एक वीडियो ही देख लीजिए कि कैसे तेजस्वी को किसी बात को लेकर उनके पिता ही उन्हें रोक रहे हैं। अब आ गई हो तो दे दिया, लेकिन हम लोग बाइकॉट किए हुए। यू आर एंटी नेशनल चैनल क्यों बना रहे हो न्यूज़? नरेंद्र मोदी जी से पूछा आपसे, नरेंद्र मोदी जी पूछा, 15 लाख का सूट पहनते, 20 लाख का सूट पहनते, क्यों? आप बात सुनो, शांत रहो। तुम्हारी लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया घराने के बारे में कौन नहीं जानता है। 1947 के बाद बेशक हिंदुस्तान में राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र को लागू कर दिया गया, पर इसके बावजूद आज भी कई राज परिवार अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, जिनमें से कुछ राजनीति में सक्रिय हो गए तो कुछ समाज सेवा में लग गए। ऐसे ही राज परिवारों में से है एक ग्वालियर का सिंधिया परिवार, जिसकी राजनीतिक पैठ राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैली हुई है। सिंधिया परिवार के इतिहास की जड़ें मुगल काल से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नाम है जो पिछले साल दल बदलने को लेकर काफी चर्चा में आए थे, लेकिन विरासत में राजनीति मिलने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में कुछ खास नहीं कर पाए। सिंधिया परिवार ने शुरू से कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन वक्त बदलते बदलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से बगावत कर दी और हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि कांग्रेस का इतने साल साथ दिया और बीजेपी का हाथ थाम लिया, लेकिन फिर भी कांग्रेस को नहीं भूल पाए। ये वीडियो ही देख लीजिए। विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहां से रवाना करेंगे मेरे भाई। और विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल रवाना करेंगे मेरे भाई। और विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के फूल वाला बटन दबेगा और हाथ के पंजे वाले बटन को बोरी बिस्तर बांध के हम यहां से रवाना करेंगे मेरे भाई। और 8वें नंबर पर आते हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट भारत के सबसे कम उम्र के सांसद सदस्यों में से एक हैं। सचिन पायलट को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री चुना गया है। वो स्वर्गीय राजनेता राजेश पायलट के बेटे हैं। सचिन पायलट को उड़ान भरने का शौक है और वो एक अच्छे शूटर भी हैं। उन्हें 1995 में NYUASA ने अपना निजी पायलट लाइसेंस भी प्राप्त
किया है। शूटिंग में उन्होंने कई राष्ट्रीय राइफल और पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भी सेवाएं दी हैं। इसीलिए उन्हें क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट पायलट के रूप में भी जाना जाता है। किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर सचिन रुचि लेते हैं। उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और वर्तमान मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र, कृषि और ग्रामीण विकास, राजनीतिक और विदेशी संबंधों मामलों में विशेष रुचि है। उन्होंने 2001 में अपने पिता पर एक पुस्तक भी लिखी थी। पुस्तक का शीर्षक था राजेश पायलट इन स्पिरिट फॉरएवर है। लेकिन आसमान में उड़ान भरने वाले सचिन पायलट अपनी सियासत सफर में उड़ान नहीं भर पाए। बचपन से ही घर में मिले राजनीतिक माहौल की वजह से सचिन के लिए राजनीति की कोई नई चीज नहीं थी। वो इसकी रग रग और रूप रंग से अच्छी तरह से वाकिफ थे। लिहाजा उन्होंने अपने शुरुआती दौर में राजनीति की काफी शानदार पारी खेलनी शुरू की थी। छोटी सी उम्र में सांसद का चुनाव जीतकर वो केंद्र सरकार में मंत्री बने। लेकिन आज भी सचिन पायलट राजनीति में जो काम हासिल करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। और पिछले साल राजस्थान में हुए सियासी बवाल और उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उनका विरोध भी किया था। विरोध से ही पता चल गया था कि सचिन पायलट को भी विरासत में राजनीति तो मिल गई है, लेकिन कौन सा दाव पेच कब और कैसे चलना है ये शायद सचिन पायलट को सीखना चाहिए। लिस्ट में सातवें नंबर पर आते हैं वरुण गांधी। आधी छोड़ पूरी जावे, पूरी पावे ना आधी आवे, मतलब आधी रोटी छोड़कर पूरी रोटी पाने के चक्कर में अपनी आधी रोटी भी गवा देना, ये कहावत वरुण गांधी पर एकदम सटीक बैठती है। वरुण गांधी पहली बार उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार के दौरान 1999 में नजर आए थे। मेनका गांधी पहले से ही एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन आधिकारिक रूप से मेनका गांधी और वरुण गांधी 2004 में बीजेपी में शामिल हुए। 2009 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने मेनका गांधी की जगह वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट दिया था, जिसमें उन्हें भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। इनके विरोधी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। साल 2013 में राजनाथ सिंह ने वरुण गांधी को बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी सांसद चुने गए। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पद भी दिया गया, लेकिन अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद वरुण गांधी को महासचिव पद से हटा दिया गया। बीजेपी ने इस पर कहा कि एक ही परिवार एक ही पद की परंपरा के अनुसार सिर्फ एक ही को पद मिलेगा। इसके बाद वरुण गांधी का नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार के तौर पर भी उछलने लगा था। ये उनके लिए सियासी तौर पर ज्यादा घातक साबित हुआ। धीरे धीरे वो चर्चा से दूर रहने लगे और आज वरुण गांधी का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तो बाहर ही है, साथ ही वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी कहीं खो से गए हैं। छठे नंबर पर आते हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा कौन है सिर्फ बहुत कम लोगों को ही पता है। इसी से अंदाजा लग जाता है कि उनकी राजनीति में क्या जगह होगी। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं। सालों तक प्रदेश की सत्ता पर राज करने की बजाय दीपेंद्र अपने लिए ही कोई मुकाम नहीं बना पाए। इनके विषय में ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव किसी के पास। एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र हुड्डा के बेटे अपने लिए राजनीति में कुछ नहीं कर पाए। और दीपेंद्र का एक वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने सीधा सुषमा स्वराज पर ही निशाना साध दिया था। अम्बाला, केवल अम्बाला के अंदर तकरीबन 15 ऐसे स्टोर खुल चुके हैं। सुषमा जी अम्बाला की बात तो करती है, मुझे लगता है मगर अम्बाला गए उन्हें काफी देर हो गई। काफी दिनों से अम्बाला नहीं गई। अम्बाला में क्या बदलाव हुआ आपने देखा नहीं। लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद को तो अब हर कोई जानता है। ये युवा नेता पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा था। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का
कमल जो खिलाया था, लेकिन जिस उम्मीद से जितिन प्रसाद ने बीजेपी का हाथ थामा था वो कहीं पूरी होती नहीं दिख रही है। जितिन प्रसाद कहते हैं कि उनका कांग्रेस के साथ दो पीढ़ियों का साथ है। कांग्रेस को छोड़ने का फैसला मैंने काफी सोच विचार के साथ लिया है। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है। दरअसल जितिन प्रसाद ने विदेश से पढ़ाई की, और जब किसी नेता का बेटा विदेश से पढ़ाई करके राजनीति में उतरता है तो जनता को उम्मीद होती है कि वो कुछ अलग करेगा और अच्छा करेगा। लेकिन जितिन प्रसाद जनता की उम्मीदों पर भी खरा नहीं उतरे, और यही वजह है कि कांग्रेस से दो बार चुनाव हारने के बाद जितिन प्रसाद अपनी नैया को पार लगाने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन यहाँ भी शायद उन्हें साइड ही कर दिया जाएगा। वहीं लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं आदित्य यादव। अब फिर सवाल उठता है कि ये कौन है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव के भतीजे और उनके छोटे भाई और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई, बस यही आदित्य यादव की पहचान है। जन्म से ही इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत लेके आए आदित्य ने आज तक कोई भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की, ना कुछ ऐसा किया जो जनता के बीच उनका नाम आए। हालांकि कुछ साल पहले उनके पिता ने अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली थी, जिसका नाम रखा था प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो आज भी प्रगति की बाट देख रही है। आदित्य यादव पर सब कुछ होने के बाद भी आज तक कुछ खास नहीं वो कर पाए हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर आते हैं चिराग पासवान। चिराग तले अंधेरा, घर के चिराग से घर को आग लगाना, ये शाम तो जली रोशनी के लिए, इस क्षमा से आग लग जाए तो क्षमा क्या करे, ये कहावत चिराग पासवान पर एकदम सटीक बैठती है। फिल्मों में भी हाथ आजमाने के बाद राजनीति में सिक्का जमाने के लिए चिराग पासवान अपने पिता की पार्टी में शामिल हो गए। चिराग बिहार के कद्दावर युवा नेता हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे। बिहार चुनाव में पहले रामविलास पासवान की मृत्यु और फिर इससे उनके प्रति जनता की सहानुभूति की आस जगाए चिराग पहली बार मुखिया बनकर शतरंज की बिसात पर उतरे, लेकिन उनकी चाले बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी समझ नहीं आई। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अपने ही गठबंधन के प्रदेश मुखिया नीतीश पर ही हमला करना शुरू कर दिया। मतलब शतरंज की एक ही बिसात जो राजा के साथ थी, लेकिन वजीर के साथ खेलते हुए वो नजर आए। परिणाम हुआ कि चारों खाने चित हो गए। जनता तो छोड़िए, पार्टी के लोग ही चिराग की चाल समझ नहीं पाए, और वजीर यानी कि उनके चाचा पशुपति पारस ने उन्हीं के मोहरों को लेकर उल्टी चढ़ाई शुरू कर दी, और देखते ही देखते चिराग को उन्हीं की पार्टी से बेदखल करने का मन बना लिया गया। बिहार चुनाव में करारी हार और अपने ही पिता के स्थापित पार्टी से लगभग बाहर हो जाना भारत की वर्तमान राजनीतिक पारिवारिक लड़ाइयों में से सबसे बड़ी हार देखी जा रही है। इतना ही नहीं, चिराग की छवि तो उन्हीं के घर के किसी ने खराब कर दी। वीडियो देखिए, पता आपको लग जाएगा। 75 साल के बाद भी बिहार को कहा जाता है कि अभी भी पिछड़ा प्रदेश है। 75 साल के बाद भी बिहार को कहा जाता है कि अभी भी पिछड़ा प्रदेश है। एंड आई लॉस्ट द प्लॉट। फिर से करते चले। आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार को कहा जाता है कि अभी भी पिछड़ा प्रदेश है। एंड आई लॉस्ट द प्लॉट। फिर से करते हैं। अच्छा, इसको भी एक बार शुरू से ही कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं तेज प्रताप यादव और राहुल महाजन। गूगल पर अगर आप इन दोनों नामों के बारे में सर्च करेंगे तो एक ऐसी फहरिस्त आएगी जिसमें इन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी जिम्मेदारियों को कभी महत्व नहीं दिया। कभी कृष्ण का रूप बनकर, कभी सन्यासी बनकर, तो कभी सरेआम खुले मैदान में नल पर नहाते हुए तेज प्रताप लोगों को आज तक बस हंसाते हुए ही नजर आए हैं, और एक बार तो अफसरों को लताड़ते हुए भी उनका वीडियो सामने आया था। घुमिलों के वजह से तेजस्वी को बदनामी झेलना पड़ता है। वही कर रहा हूँ।
गाड़ी में लग गया था, गाड़ी वहाँ हमने देखा अपने भाई को। तुम ही लोग का ज्यादा फिकर है, मेरा अर्जुन है, तुम ही लोग के वजह से तेजस्वी को बदनामी देना पड़ता है। केवल सिखाना वही कर रहा हूँ, गाड़ी में लग गया था, गाड़ी वहाँ हमने देखा अपने भाई को। तुम ही लोग का ज्यादा फिकर है, मेरा अर्जुन है, तुम ही लोग के वजह से तेजस्वी को बदनामी देना पड़ता है। केवल सिखाना वही कर रहा हूँ, गाड़ी में लग गया था, गाड़ी वहाँ हमने देखा अपने भाई को। तुम ही लोग का ज्यादा फिकर है, मेरा अर्जुन है, तुम ही लोग के वजह से तेजस्वी को बदनामी देना पड़ता है। केवल सिखाना वही कर रहा हूँ, गाड़ी में लग गया था, गाड़ी वहाँ हमने देखा अपने भाई को। तुम ही लोग का ज्यादा फिकर है, मेरा अर्जुन है। वहीं दूसरी तरफ अपने समय में बीजेपी के सबसे कद्दावर और लोकप्रिय नेताओं में से स्वर्गीय प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन, इन्होंने अपनी विरासत और पिता का नाम डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल महाजन हमेशा सुर्खियों में रहे, लेकिन कभी किसी अच्छे काम को लेकर नहीं, बल्कि कभी नशे की लत को लेकर, तो कभी एक टीवी शो में नकली शादी रचाते हुए, तो कभी घाघरा चोली पहनकर अजीब सी कॉमेडी करते हुए नजर आते थे। इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत और पारिवारिक रुतबे के बावजूद भी ये दो नाम सिर्फ लोगों के लिए हंसी का पात्र ही बने। पहले नंबर की बात करें तो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं राहुल गांधी। वैसे इनके बारे में तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बताते हैं इनकी कुछ खास बातें। राहुल गांधी वैसे जो भी बोलते हैं उनकी ज्यादातर बातें तो चुटकुले ही बन जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश पर लगभग 70 सालों तक राज करने वाले देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के चश्मो चिराग सिर्फ एक मजाक ही हैं। इनके बारे में ज्यादा कहना सूरज को दिया दिखाना जैसा होगा। राहुल की आर्थिक और राजनीतिक सोच लेफ्ट ऑफ सेंटर के जरिए गहराई से प्रभावित चलती है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमर्त्य सेन के अगस्त 2009 के एक इंटरव्यू को याद कराते हैं, जिसे विनोद मेहता और अंजलि पुरी ने लिया था, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता ने राहुल गांधी को प्रतिभावान और भारत में वंचित लोगों के बारे में गहराई से चिंता करने वाला और बदलाव लाने की चाहत रखने वाला बताया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने टिप्पणी की थी कि मैं उन्हें थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैंने एक बार उसके साथ एक दिन बिताया था जब वो मुझसे मिलने के लिए ट्रिनिटी आया था और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ था। राहुल गांधी अक्टूबर में साल 1994 से जुलाई 1995 तक ट्रिनिटी के छात्र रहे और उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल किया था। सेन, जिन्होंने 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भारत रत्न दिया था, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2021 आते आते ऐसा हो गया कि राहुल गांधी की बातें महज एक मजाक बनकर रह जाती हैं। हालांकि राहुल गांधी ने संसद में भी ऐसी बातें बोली थी जिन पर उन्हीं की पार्टी और बाकी पार्टियों के नेता भी हंस रहे थे। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं, मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अपने अपना जो सिक्योरिटी कवर है, अपना जो सिक्योरिटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते हैं। पूरे देश ने अभी देखा है, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। सच्चाई है, ये कोई कभी उधर देख रहे थे कभी उधर देख रहे थे, मगर सच्चाई है, सच्चाई है। चलिए चलिए, आई डोंट सी ए स्ट्रेटजी, आई डोंट सी ए क्लियर डायरेक्शन। I see a lot of talk. I hear talk about clean your country. I mean, are we serious? Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? I don't see it working. You see it working? Okay. I don't see Swachh Bharat working very well. Huh? What? Well, I think they're agreeing that it's working. You think it's working?
तो हमारे इस खास शो में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।